आप लोग, मैं आपकी अपनी दोस्त लिटिल दुर्गा फिर आ गई एक बार फिर आपके लिए मजेदार चटपटी कहानियां लेकर। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर बहुत ही मजा आने वाला है। आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप स्कूल जाते होंगे, उनके साथ अपना लंच भी शेयर करते होंगे, पिकनिक बनाना या फिर खेलने जाना, ये सब आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते होंगे। पर आपको पता है बच्चों कि हमें फ्रेंड्स क्यों बनाने चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें कैसे लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहा करते थे। वहीं एक प्यारी शेरनी भी रहा करती थी। पता है वह बहुत ही सुंदर थी। वहाँ का राजा उसका पति लॉयन था। वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके बहुत ही सुंदर दो लिटिल बेबी लॉयन थे। रानी शेरनी जंगल के किसी दूसरे एनिमल से कभी बात ही नहीं किया करती थी। उसे जब भी कोई नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोलता था तब वो किसी को कोई जवाब नहीं देती थी, मतलब फुल एटीट्यूड में रहा करती थी। उसे लगता था कि वो रिच है और बाकी सारी एनिमल्स पुअर हैं। उसके घर के पास एक बर्गर के पेड़ पर बंदरों का बड़ा परिवार रहा करता था। वह उनसे भी बात नहीं करती थी। जंगल के सभी जानवर इस बात से बहुत नाराज रहते थे, पर कोई कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि वो तो जंगल की रानी थी और दूसरा वो गुस्से में भी रहा करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे वो बेबी लॉयन बड़े भी हो गए और उन्होंने अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट किया कि वो उनको पिकनिक पे ले चले। मम्मा शेरनी ने अपने बेबी लॉयन के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक दूसरे गांव चल पड़ी। वहाँ बेबी लॉयन ने अपनी मम्मा के साथ खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया। जब घूमते घूमते शाम हो गई तो उनकी मम्मा ने बोला चलो घर चलते हैं। पर बेबी लॉयन बोले थोड़ा और घूम लेते हैं। ऐसा करते करते वो बहुत दूर चले गए। फिर जब उनकी मम्मा को लगा कि रात हो गई है तो सोचा घर चले जाएं, पर वो लिटिल लॉयन उन्हें कहीं नहीं मिले। मम्मा लॉयन ने परेशान होकर हर जगह देखा पर वो उसे कहीं नहीं मिले। वह रोने लगी और रोते रोते चारों तरफ अपने बेबीज को ढूंढने लगी। फिर उसे वहाँ एक भालू राजा दिखाई पड़ा। लॉयनेस ने भालू राजा से पूछा क्या तुम मेरे बच्चों को ढूंढने मेरी मदद करोगे? तो उस भालू राजा ने तो साफ साफ कह दिया कि रानी मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा। ऐसे ही उसने वहां से आने वाले सभी जानवरों से हेल्प मांगी, बट सब ने उसको मना कर दिया। इसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाले बंदरों से पूछा तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। रानी को बहुत दुख हुआ कि मैंने कोई भी अच्छा फ्रेंड नहीं बनाया है। आज जब मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि मैंने कभी किसी से ठीक से बात ही नहीं की। ये सोचकर अपने बेबी लॉयन को याद करके वह फूट फूट कर रोने लगी। जब मम्मा लॉयन रो रही थी तो धीरे धीरे वहाँ के सभी एनिमल्स को उस पर दया आ गई। सबने सोचा कि चलो एक बार इसकी हेल्प करके देखते हैं। इसके बाद सभी छोटे एनिमल्स ने मिलकर बेबी लॉयंस को ढूंढ निकाला। अपने बेबी लॉयंस को देखकर शेरनी बहुत खुश हो गई। इसके बाद मम्मा शेरनी ने सभी एनिमल्स को सॉरी कहा और अपना फ्रेंड बना लिया। तो बच्चों इस स्टोरी से क्या समझ आता है कि हमें सभी से अच्छे से बात करनी चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्त सिर्फ स्कूल में ही नहीं बनते, हमारे घर पे आने वाले जो भी लोग होते हैं, जैसे दूध लेकर आने वाले अंकल, खाना बनाने वाले कुक अंकल, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए और सबके साथ दोस्त की तरह ही रहना चाहिए। क्योंकि क्या पता कब कहाँ किसकी हेल्प की जरूरत पड़ जाए, कौन हमारी हेल्प कर दे, इसलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही मजेदार चटपटी मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द कर्मा से जुड़िए। मैं फिर आऊंगी अच्छी स्टोरी लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब मस्ती करिए। बाय बाय, टेक केयर।